है और ये एक कविता है और कविता का शीर्षक जो हमें बताया गया है वो जहाजी भाई। तो ये जहाजी भाई अभी आएंगे और जहाजी भाई को पेश करेंगे कैप्टन वैभव दलवी। तो सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम का आगाज, इसकी शुरुआत, इसका शुभारंभ कैप्टन वैभव दलवी साहब की कविता से हो रहा है, हम जहाजी भाई। कैप्टन दलवी साहब का स्टेज पर बहुत बहुत स्वागत है कि आज के हमारे इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं। आप सब लोग शांति से इस प्रोग्राम का आनंद उठाएं। कैप्टन दलवी, नमस्कार। मेरी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं, हम जहाजी भाई। अरे वाह। काफी सालों से सेल नहीं किया हूं, अभी किनारा में नौकरी करता हूं, लेकिन दिल से आज भी जहाजी हूं। मेरी कविता कहती है, हम जहाजी भाई यारो, हम जहाजी भाई, हिंदू मुस्लिम सिख है हम में और है कोई ईसाई, हम जहाजी भाई यारो, हम जहाजी भाई। हाथ में कौशल हुनर से लथपथ सच्ची पूरी कमाई, सदा बहाते पसीना अपना, यही तो है अच्छाई, हम जहाजी भाई यारो, हम जहाजी भाई। गूंज हमारे काम की हमने दुनिया को सुनवाई, गूंज हमारे काम की हमने दुनिया को सुनवाई, घूमे पोत दरिया में तभी थमे भूख महंगाई, हम जहाजी भाई यारो, हम जहाजी भाई। हफ्तों और महीनों तक तो तट भी ना दे दिखाई, हफ्तों और महीनों तक तो तट भी ना दे दिखाई, दुनिया दूसरी अपनी हमने दरिया में ही बसाई। लहरों के देखे हैं पर्वत, लहरों के देखे हैं पर्वत, लहरों की ही खाई, खतरों से लड़ने की शिक्षा मौजों से ही पाई, हम जहाजी भाई यारो, हम जहाजी भाई। चुनौतियां हम झोली, चुनौतियां हम झोली, उनसे भरी हमारी झोली, सुकून देती लेकिन मन को वो खारी पुरवाई, पुरवाई मतलब पूरब से आने वाली वो हवा का जो झोंका रहता है उसे पुरवाई कहते हैं, सुकून देती लेकिन मन को वो खारी पुरवाई, कष्ट त्याग और संग भावना अंदर तक फैलाई, नाज है पेशे पर हमको जो छुए गगन ऊंचाई, जो छुए गगन ऊंचाई। कैसे भूले त्योहारों पर, कैसे भूले त्योहारों पर घर का प्यार मिठाई, साथ हमेशा उनकी यादें जैसी हो परछाई, समेट लेते हैं हम मन में दर्द भरी तन्हाई, समेट लेते हैं हम मन में दर्द भरी तन्हाई, चेहरे पर मुस्कान दिल में सागर की गहराई, दिल में सागर की गहराई। हम जहाजी भाई यारो, हम जहाजी भाई, आज के शुभ दिन पर देते हम तहे दिल से बधाई, सबको तहे दिल से बधाई। थैंक यू कैप्टन वैभव दलवी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने जो कविता जिस तरह से शुरू की कार्यक्रम की, वाकई इस तरह की कविता ही शुरुआत में होनी चाहिए, और ये कविता तो इस तरह से लगी मानो जैसे इस पूरे प्रोग्राम की, इस पूरे रंगारंग कार्यक्रम की, इस कल्चरल जो इवेंट है आज हो रही है उसकी एक तरह से सिग्नेचर जो होती है कविता वो कही जा सकती है, इसको सिग्नेचर कविता कहा जा सकता है जिससे आपने शुभारंभ किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी रचनात्मकता क्रिएटिविटी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आपके सामने जो लेके आ रहे हैं उसमें